गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूलं धर्मतरो विवेक जलधे पूर्ण इंदुम आनंदम वैराग्यम यमोज भास्करम ये यज्ञम ध्वान्तम तापहम तापहम मोह अंबोधर पूग पाटन विधौ स्वाशंभम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप्रियम श्री राम भूप्रियम। यह क्या नाथ, अभी तो मैं आपके ध्यान में मग्न होकर आपका अर्चन कर रहा था नाथ, आपका वंदन कर रहा था, आपका गुणगान कर रहा था, आपका नाम ले रहा था, आपका ध्यान कर रहा था। हे नाथ, अचानक मेरे ये श्रवण प्रदेशों में अरे फुंकार में दृष्टि से आप कौन फुंकार रहा, सावधान सावधान सावधान। हे नाथ, जिस समय आपका करता हूं हे शंकर प्रलंकर मैं पूजन, उस समय आपके पूजन में ऐसा कैसे उच्चाटन। हे यमोग अगहर ब्यालधर भूत भवन भगवान शंकर, क्या कारण है नाथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा नाथ, क्या कारण है। इस रावण को सावधान कौन कर रहा नाथ, रावण को सावधान कौन कर रहा, अरे रावण को सावधान करने की समर्था अरे विश्व के किसी भी वीर योद्धा में नहीं है नाथ, फिर रावण को सावधान कौन कर रहा नाथ। अरे क्या, अरे क्या ए रक्त पिपास्ता, अरे बिकराली, अरे बिकराली, ए काली का खप्पर रक्त से खाली हो चुका है, या फिर ए रक्त शोषणा, अरे इस विलक्षणी इस पशुपति पशुधा का कोई मूल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, क्या कारण है नाथ। भगवान शंकर रावण को सावधान कौन कर रहा नाथ, कौन कह रहा उठो, अरे उठो शीघ्र उठो दशानन, कौन कह रहा नाथ, आराज का चोर सी भरी जो तो अचक मगर क्या किसने या कर ए प्रज्वलते अरे चोला सी भर करा लो दिखलाया कौन ए प्रचंड दबाकर, अरे क्यों ए तारों का झुंड तरंगे भरो वो लड़ियों की तो रहा, अरे बंदी तन उमड़ घुमड़ करके चित्त मेरा अजमोल रहा, अरे रो अरे जो रहे इस दशानन को फटते वह डरते क्यों है, अरे योम योम अरे लंका का चल बलील हुआ मुरझाए कैसे रोम रोम, मुरझाए कैसे रोम रोम, अरे क्यों एक गगन गा रहा प्रलय गान एक बाल छंड को कर जाता, अरे क्यों एक तुक्त सनीचर आंखें तरेर कर मुस्काता, आंखें तरेर कर मुस्काता, अरे प्रबल दृश्य क्यों दृष्टि आ रहे, ए प्रबल दृश्य क्यों दृष्टि आ रहे, अरे बोलो शंकर क्या करूं, अरे शांत समय में ए अशांत का बोलो शंकर क्या करूं, बोलो शंकर क्या कारण, क्या कारण है नाथ। रावण को सावधान कौन कर रहा नाथ, अरे एक और शांत मुद्रा में खड़ी हो जाने वाली अरे ये योगिनी आज अत्यंत नाद और लाज करते हुए दसों दिशाओं में जन्म बचरने का विचार से क्यों कर रही है नाथ, मेरी आज्ञा पर
अरे मन मंत्र से ये प्रवाहित होने वाले पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज झंडा का रूप प्रारूप धारण कर अपने अनोखी चेष्टा को प्रवाहित करने की चेष्टा क्यों कर रही है नाथ? क्या कारण है भगवान शंकर को समझ में नहीं आ रहा? रावण को चुनौती कौन दे रहा है नाथ को समझ में नहीं आ रहा? अरे क्या माता रणचंडी का खप्पर रक्त से खाली हो चुका है? यदि ऐसा है तो लंकापुरी में निवास करने वाली मैं चंचल चंद्रास से आराम शत्रुओं के पीछे में प्रवेश कर माता रणचंडी के खप्पर को पुनः भर दूंगा नाथ। पर रावण को सावधान कौन कर रहा? रावण को चुनौती कौन दे रहा नाथ? अरे कौन चुनौती मुझे दे रहा? अरे कौन चुनौती मुझे दे रहा? अरे जागो जागो लंकापन जागो ए राय जागो दशकंदर जागो जागो दशकंदर जागो। अरे वह विश्व विजय तो स्वप्न हो गया, वह विश्व विजय तो स्वप्न हो गया, मरमटने की अभिलाषा ओए रावण तेरा हो विनाश। ए देवों की उद्गत अभिलाषा ए देवताओं की इच्छा है कि रावण तेरा विनाश हो। अरे देवों का षड्यंत्र हो रहा, अरे देवों का षड्यंत्र हो रहा लंकापत बताने को। अरे तू भी कोई चक्र चला अपना एक लंक बचाने को, अपना एक लंक बचाने को। अरे क्यों, अरे क्यों ए सोने की लंका राग भर रही? अरे क्या जागो शंकर जागो और राह देखता सर्वनाश। जागो लंकापत जागो, जागो लंकापत जागो। कहता है कौन? अरे कहता है कौन कि लंका में हर भक्त चैन न पाता है? कहता है कौन कि लंका में हर भक्त चैन न पाता है? वो देखो तनक भीषण को जो माला ही सटकाता है, माला ही सटकाता है। अरे तुम माला चंदन भस्म रवा भांगी का रूप लेते हो, वो भिक्षा लेकर द्रव्य कमाते उस ईश्वर का नाम ले जाते हो, उस ईश्वर का नाम ले जाते हो। अरे वह हर भक्त कहने वालों आडम्बर त्याग करो भक्ति, तप और तपस्या के समक्ष है भूतल पर किसकी शक्ति? सबसे बड़ी शक्ति है तो वो तप में है, सबसे बड़ी भक्ति है तो वो तप में है। अरे तो आडम्बरी आय आडम्बरी मुझको ललकार रहे कि जागो लंका जागो और राय देवता सर्वनाश। जागो दशकंदर जागो, जागो दशकंदर जागो। मैं डंके की चोट कह रहा, अरे मैं डंके की चोट कह रहा आडंबर नहीं पलपने दूंगा। और ठगते रहे विश्व को तुम अब और नहीं ठगने दूंगा, अब और नहीं ठगने दूंगा। अरे ये यवनी, ये यवनी, ये अंबर गीत गा रहे, ए धरा ए गगन गीत गा रहे कि रावण तेरी पूजा होगी क्योंकि का इतिहास बदलने में घर घर में मेरी कथा होगी, घर घर में मेरी कथा होगी। अरे तो ये युग, अरे ये युग मुझको आज पुकार रहा कि जागो लंका पर जागो, जागो लंका पर जागो राह देखता सर्वनाश। जागो दशकंदर जागो, जागो दशकंदर जागो। क्या कारण है नाथ? आज तक इस संसार में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं जो इस रावण को चुनौती दे सके नाथ। हे भगवान शंकर क्या कारण है? हे पूज पिनाकी जीवन में, हे पूज पिनाकी अरे जीवन में एक कैसा भीषण परिवर्तन? अरे क्या बजा दिम दिमक डमरू शो कर रहे आप दानो नतन, शो कर रहे आप दानो नतन। हे पूज पिनाकी जीवन में एक कैसा भीषण परिवर्तन? क्या बंदी वसो के यशो गान? अरे क्यों ए बंदी जनों के यशो ज्ञान चित्त को मिलान फुला देते हैं? अरे सुन ठाले हिल कर ए प्राण कपाए देते हैं। हर बस शुद्ध सी लंका की इस समय मुझे है दिखलाती ए दशकंदर को। अरे भजने वाली ए जनता क्यों राम नाम गाती, क्यों राम नाम गाती प्रज्वलित ज्वालाबद्ध अंत स्थल में? अरे क्यों करती उत्पन्न जलन कुछ नहीं समझ में आते हैं। ए होने वाले परिवर्तन, ए होने वाले परिवर्तन,
हे पूज पिनाकी जीवन में एक ऐसा भीषण परिवर्तन, एक ऐसा भीषण परिवर्तन। क्या कारण है नाथ? मुझे सद्बुद्धि दो नाथ, मुझे ज्ञान दो, आखिर कारण क्या है? ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। पिता तो हो गया जो तो साक्षात द्वारा मुझको अब यह ज्ञात हुआ, उस धरली धर का, उस विश्वेश्वर का, इस पृथ्वी पर दशरथ शुद्ध बनकर अवतार हुआ, उस पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार इस संसार में हो चुका है। क्यों? वह गया जनकपुर, वह परमात्मा, अरे गया जनकपुर क्योंकि जनक ने उत्सव एक रचाया है, अजगाव कर्षण का विचार अपने मन में ठहराया है। जो वीर जनकपुर जाकर के शोको दल चढ़ाएगा, वो डाल फावरे सीता को संग अपने ले जाएगा, संग अपने ले जाएगा। तो क्या वास्तव में उस परब्रह्म परमात्मा का अवतार इस संसार में हो चुका है? यदि परमात्मा का अवतार हुआ है तो रावण अवश्य ही मिथिला जाएगा, अपने नेत्रों से उसका दर्शन करेगा। लेकिन संसार के प्राणी तो कहा करते हैं, संसार के प्राणी तो कहा करते हैं रावण पापी है, संसार के प्राणी कहा करते हैं रावण कैसा है, तो कहा रावण पापी है, रावण अत्याचारी है, रावण दुराचारी है, रावण ने तो पाप किया है, रावण ने अत्याचार किया है। लेकिन नहीं, रावण कैसा है, तो कहा रावण साधु है, रावण कैसा है, तो कहा रावण साधु है, रावण तो महात्मा है, रावण तो धर्मात्मा है, रावण जैसा महात्मा, रावण जैसा धर्मात्मा न तो आज तक संसार में कोई हुआ है ना भविष्य में होगा। क्यों? क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा को इस पृथ्वी पर बुलाया है। लेकिन वो परमात्मा इस संसार में आता कब है? तो किसी विद्वान ने कहा, धर्म का लोप होकर, धर्म का लोप होकर जब पाप संसार में होता है, दीन दुखियों का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी तो उस पर ब्रह्म परमात्मा का इस संसार में अवतार होता है, अवतार होता है, अवतार होता है। अरे नाम न लेता रवि का कोई, रवि कहते हैं सूर को। यदि सूर संसार को प्रकाश नहीं देता तो क्या कोई सूर को सूर कहता? कोई नहीं कहता। अरे नाम न लेता रवि का कोई, यदि जग में फैला उजाला न होता, वो चंद्र की होती कहां चर्चा, यदि चकोर से चाहना न होता। अरे दीप शिखा जलती ना अगर, दीप शिखा जलती ना अगर, तो पतंगा भी मतवाला न होता, और काक की होती कहां चर्चा, यदि कोयल का रंग काला न होता, काला न होता। यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं, यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं, तो होता सीता का ही अवतार नहीं। वो यदि मैं करता जग में पाप नहीं, तो होता हरि का अवतार नहीं। वो जब होता हरि का अवतार नहीं, तो फिर तुम सबका क्या होता? वो पापी का पाप न होता जग में, तो ये जग शमशान। रावण ने यदि पाप किया है तो संसार के कल्याण के लिए किया। क्यों? वह परमात्मा स्वयं कहता है, परमात्मा वह स्वयं कहता है, जब जब होए धर्म की हानि, वाढ़ है यसुर अधम अहमानी, तब तब धर्म रूप में शरीरा, वो हरहु कृपाले सज्जन पीरा। तभी तो परमात्मा आता है, यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्व तदात्मानं सजामः।
परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी। तभी तो परमात्मा आता है। अब मुझे शीघ्र अति शीघ्र मिथिलेश धाम की पावन भूमि के लिए चलना चाहिए, लेकर मेरे राज के राज सेवक। हेलो, और ये जो आप देख रहे हैं बुंदेलखंड के सिरमौर अभिनेता प्रहलाद जी रावण की भूमिका में जो देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर सर्वश्रेष्ठ कलाकार। और इसी क्रम में ये 100 रुपए का पुरस्कार परम पूजनीय अनुज कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा महाराज लंकेश की सुंदर भूमिका पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो राज सेवक। यद्यपि मैं मिथिला जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पूर्व तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा ये है, वैसे मेरे द्वारा तो कई चौकियों का निर्माण कराया गया, लेकिन वर्तमान स्थिति मैं ताड़कबंद चौकी की स्थिति जानना चाहता हूँ, उसकी क्या स्थिति है। महाराज आपकी ये हो, ताड़कबंद चौकी की स्थिति ये है महाराज कि ताड़का जी मारी गई। ताड़का जी मारी गई? अबस नहीं, ताड़का मारी गई। ताड़का कोई खिलौना थोड़ी है, सिर्फ कोई तोड़ दे। ताड़का कोई खिलौना नहीं है जो उसे तोड़ दे। अरे ताड़का अबला नहीं, ताड़का तो सबला है, सबला है, सबला है। उसका वध कोई साधारण बात नहीं है। किसने मारा ताड़का को? राम ने। राम ने? ये राम कौन है? दशरथ के पुत्र। राज सेवक महाराज तो झूठ बहुत बोलता है। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना तो 3 दिन पहले हमें वहां भी मिले, तो वहां भी झूठ बोले, आज यहाँ मिले आज भी झूठ बोले, ऐसा करते क्यों हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? महाराज आप झूठ नहीं बोल रहे, आपको लग ही गई। अच्छा मुझे लग रहा है, लेकिन तो झूठ नहीं बोल रहे। तो सुनो राज सेवक, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो ब्रह्मा का वरदान झूठा। तुमने कहा वो पुत्र राम दशरथ के पुत्र हैं, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो ब्रह्मा का वरदान झूठा। और ब्रह्मा का वरदान का सत्य है तो तुम्हारी बात झूठी। क्यों? जाना तो हमने ऐसा है कि सांप और वरदान कभी मिथ्या नहीं होते, सांप और वरदान कभी मिथ्या नहीं होते। एक समय जब मैंने सूरवंश में एक राजा हो गए अनरन, जब मैंने उनका वध किया तो अंतिम समय उन्होंने अपने मुख से उच्चारा था कि मेरे ही वंश में एक राजा होंगे दशरथ, उनके पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, उन्होंने कहा था। तो मैंने विचार किया कि दशरथ के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मैंने क्या किया, मैं हिमालय पर्वत की गुफाओं में चला गया। वहां मैंने विधाता की तपस्या की, विधाता प्रसन्न हो गए और आकर के मेरे सामने खड़े हो गए, मुझसे कहा पुत्र वरदान मांगो। मैंने कहा ऐसे नहीं पितामा, त्रिवाचा तुम्हें हारना होगा, इसके बाद मैं मांगूंगा, कहीं ऐसा ना हो आप कहकर बदल जाए। तो पितामा ने कहा मांगो मांगो मांगो। तो मैंने कहा सुनो पितामा, मैंने क्या मांगा आप पितामा से? नृप दशरथ के वीरता कोई उस जग में पुत्र प्रकट नहीं कोई, दशरथ के अंग से कोई संतान इस संसार में पैदा ना हो। तो पितामा ने कहा तथास्तु, यदि पितामा का वरदान सत्य है तो वो राम दशरथ के पुत्र नहीं है। अब किसकी हम माने, तुम्हारी माने या ब्रह्मा के वरदान की माने? महाराज आपकी भी सत्य है, आपकी बात भी सत्य है, मेरी भी बात भी सत्य है, नहीं हुए लेकिन यज्ञ द्वारा महाराज दशरथ को 4 पुत्र। देखो ये बात भी तुम्हारी सत्य है, तुमने कहा यज्ञ द्वारा हुए, कहीं यज्ञ से संतान पैदा होती है? और यज्ञों से यदि संतान पैदा होने लगेगी तो प्राकृतिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। नर सुनो, नर और मादा का जोड़ा बना किस लिए है? क्या यज्ञों से पुत्र पैदा करने के लिए बना, या यज्ञ पुत्र पैदा करने के लिए होते हैं? तो तुम्हारी ये बात ही मिथ्या है। लेकिन अच्छा मैं जानना ये चाहता हूँ कि वो पुत्र इष्ट जो यज्ञ कराया गया वो कराया किसने था? महाराज सिंह ऋषि के द्वारा हुआ था वो। ऐसा क्यों हुआ? सिंह ऋषि को क्यों बुलाया गया? सूर्य वंश में तो स्वयं ही ब्रह्म ऋषि की उपाधि को प्राप्त
स्वयं वशिष्ठ हूं। वो वशिष्ठ जैसे धर्मात्मा महात्मा ब्रह्म ऋषि के होते हुए सिंह ऋषि को बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ा महाराज? ठीक है, वो उनके मान थे, महान मान मान, इस कारण वशिष्ठ जी ने खुद कहा। अच्छा, तो पुत्र पैदा करना जानते थे वो मान। अच्छा क्या बात करते हो राजसेवक। अच्छा, आप मुझे विलम्ब हो रहा है, तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है? अवश्य महाराज, वही तो सोच रहे कि महाराज कभे कभे जिनके दर्शन हो आप आ गए तो कछु चर्चा चल जाए। आपकी चर्चा चली, अब थोड़ी हमारी चर्चा चल जाए। महाराज ये अर्थाली समझ में नहीं आ रही कि जननी जम जननी सम जानो पर नारी, जाको अर्थ समझ में नहीं। जननी सम जानो पर नारी। अच्छा, इसको पूरा कर सकते हो? नहीं, हमें इतने से मतलब। रुको, तो परेशान ना हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा। नहीं, इसको इसको पूरा करना भी जरूरी है कि जननी सम जनराव पर नारी, उसकी आगे फिर क्या है। यद्यपि सुनो, तो यद्यपि चौपाई की जब हमने परिभाषा पढ़ी है तो उसमें होते हैं चार चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब तुमने अर्धाली से भी अर्धाली बोली है, फिर भी उसी का उत्तर लो। तुमने कहा जननी समझाने पर नारी, उसका अर्थ क्या है? तो जननी समझाने पर नारी का अर्थ है कि पराई स्त्रियों को अपनी माता के समान समझो। यही तो पूछ रहा हूं, यही तो बात है। जननी समझानो पर नारी, हम ही नहीं, एक सेकंड रुक, हम ही नहीं, ऐसा महापुरुषों का मत है। ऐसा रुको, तो ऐसा महापुरुषों का, ज्ञानी लोगों का मत है। क्या कि मातृपद परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मसद्भूतेषु या पश्यति स पंडिता। अरे वही तो ज्ञानी है, वही तो पंडित है जो पराई स्त्रियों को माता के समान समझता है। महाराज आपकी जो हो, आपने बिल्कुल सही बताई, लेकिन अंत पे जा रही। जननी समझानो पर नारी मतलब दूसरी की स्त्री को अपनी माँ के बराबर समझो, और जैसे ये हमसे ये बड़ी है ये माँ हो गई, और जैसे हमारे बराबर की है वो बहने हैं। अच्छा, वो बहन हो गई, और जो हमसे छोटी है कन्याएं, जो बड़ी है वे माँ के बराबर हो गई, और जो बराबर की है वे बहने हो गई, जो हमसे छोटी है वे कन्या के बराबर हो गई। हमारा महाराज ब्याह कौन से उज्जा, हमारा तो ब्याह की तैयारी धरी। राज सेवक, तुम्हारा ब्याह किससे होगा? लंका में रह करके तुम्हें ये कहना पड़े तुम्हारा ब्याह किससे होगा? अरे यह लंका में तो मानव ही नहीं, देव यक्ष गंधर्व सुर किन्नर नांग कुमार और जीत परी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार, ऐसी ऐसी स्त्रियां लंका में हो। तुम्हें चिंता ब्याह की है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी व्यवस्था हो जाए। तुम्हारा हम तुम्हें हम लंका में हाँ अपने होते हुए तुम्हें कुंवारा नहीं रखेंगे, विश्वास रखो। ठीक है, अच्छा जी बताओ, जब तुम्हारा विवाह होगा हमें लगा चलोगे, हमें लेके चलोगे साथ में? हाँ, तुम लड़की को नहीं कहो? नहीं, हमें लड़ाई को डर लगा। ठीक है, हे सभासद हो, एक बार प्रेम से भूत भावन भगवान शंकर के नाम का जय घोष बड़े ही उच्च स्वरों में करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, जय महाकाल।